मोमित्रा साहब आ रहे हैं, मोमित्रा साहब एक्सी साहब आ रहे हैं हमारे, रोमित्रा जी आगे आ जाइए आगे। एक्सेल सी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन के बैनर तले जो है आज यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी कर्मचारी जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के लिए जो है इन्होंने पहले ही सरकार को वार्निंग दे दी थी, लेकिन सरकार ने जो है इनकी मांगों पर अभी भी गौर नहीं किया, इसलिए जो है इन्हें आज विरोध प्रदर्शन का रास्ता जो है वो अपनाना पड़ा। वन डे जो है इनकी स्ट्राइक है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये एम्प्लॉइज क्या कहना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए, जिस तरीके से हमने पिछले 15 दिन पहले प्रेस वार्ता करके पूरे जम्मू की जनता और सबसे पहले माननीय उपराज्यपाल जी और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये अपील की थी कि जो हम इश्यूज रेज कर रहे हैं, 750 से ज़्यादा इंजीनियरिंग वगैरह की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, एक्सेंस 60 डिविजन्स के खाली पड़े हुए हैं, AEEE 150 से ज़्यादा खाली पड़ी हैं, और लगातार ये वो लोग हैं जो ग्रीवेंसेस कंज्यूमर्स की सुनते हैं, जो कंज्यूमर्स को जो अप्रोच करता है कंज्यूमर वो सब डिविजन हेड के पास करता है, वो आगे डायरेक्ट करता है। जब आप हेडलेस छोड़ देते हैं तो आप बताइए कंज्यूमर ग्रीवेंसेस कैसे एड्रेस हो रही हैं? ऐसी कौन सी पॉलिसी यहाँ पे इंप्लीमेंट की जा रही है जिसकी वजह से कोई बेनिफिट लोगों को होगा अगर ये पोस्टें खाली रखी जाएंगी? आप मुझे बताइए, बजटेड पोस्ट है, कोई एक भी नई पोस्ट क्रिएट नहीं की गई। 1988 की पोस्टें हैं ये, 1988 में ये कहा गया था कि इतने इंजीनियर होने चाहिए, इस लेवल पे होने चाहिए। आज तब से 20,000 गुना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। आपकी गली में एक ही जगह 4 ट्रांसफार्मर हो गए, लेकिन जूनियर इंजीनियर जितने थे उसमें से भी 350 जो है खाली रखेंगे। तो ऐसी कौन सी अपील और पॉजिटिव काम इस सरकार के द्वारा इस टाइम पे इस नज़रिए से किया जा रहा है जिसकी वजह से कि कोई लोगों को बेनिफिट हो सकता है और हम गलत कर रहे हैं? इसलिए हमारी बात लोगों के थ्रू भी, मैं पब्लिक के थ्रू भी पहुंचाना चाहता हूं। जो सरकार हमें इस बात के लिए मजबूर कर रही है, उस सरकार से भी हमें उस लेवल से वार्ता के लिए नहीं अभी तक बुलाया गया जिस लेवल को ये फ़र्क पड़ना चाहिए था। जब हमारा बैनर ये कहता है, चीफ सेक्रेटरी साहब आपने हमारे PDD के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रखी है, इतना सौतेला व्यवहार क्यों कर रखा है कि आज हमें आपसे ये पूछना पड़ रहा है? 7 दिन के जो फाइलें आप कहते हैं ई ऑफिस में होनी चाहिए, वो 7 महीने में आपके ई ऑफिस में पड़ी रही, और आज जाके आपने 7 महीने ख़त्म होने के बाद उसको जब वापस भेजा तो आपने एक राइडर लगा दिया जिससे कि हमारे सारे मुलाजिम आज डीमोरलाइज हैं, हर कैडर डीमोरलाइज है। तो आप डीमोरलाइज स्टाफ के साथ कंज्यूमर ग्रीवेंसेज कैसे एड्रेस कर सकते हैं? सभी तमाम लोग यहाँ वॉलंटियरली आए हैं, इतनी गर्मी में बैठे हैं और प्रोटेस्ट लीव के साथ बैठे हैं, ओपन में बैठे हैं। आप सब मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऊपर सरकार तक इस आवाज़ को पहुँचाएँ और चीफ सेक्रेटरी साहब तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ कि हम एक आपके ही बच्चे हैं, ये सभी लोग आपके ही इसी यूटी के लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है, सभी लोग इसी यूटी के हैं। लगातार जो है आपकी आवाज़ जो है सरकार के कानों तक पहुंच रही है, लेकिन इस पर जो है कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, अगर सरकार ने आज 24 घंटे की हड़ताल के बाद भी एक किस्म से डिफाइंट एटीट्यूड को अडॉप्ट कर रखा, तो कश्मीर में भी ये बात हुई है और जम्मू में भी ये बात हुई है कि हम अगले 15 डेज में 48 आवर्स की कॉल जो है 15 डेज के बाद अनाउंस हो जाएगी, एग्जैक्टली 15 डेज के बाद हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं अगले 15 दिन तक सरकार जो है ये एनलिस्टेड इश्यूज पे पूरी संज्ञान ले, इसको बड़ा संजीदगी से और रिजॉल्व करने की मंशा से करें, ना ही कि डिली डिलेंगे एटीट्यूड और टेक्निक से ना करें, ताकि ये लोग उनको सड़क पे उतरने का कोई शौक नहीं है। ये हमारी फीमेल स्टाफ भी यहाँ पे आई है, आप समझ सकते हैं इतनी धूप में हमारे जो छोटे से छोटा मुलाजिम है वो भी बैठा हुआ है, यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है। डिले का कारण क्या है? क्या जिस तरह से बिजली विभाग को जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या लगता है यही मुख्य कारण है आपकी जो मांगे हैं पूरी नहीं की जा रही हैं? देखिए, मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ, इसको इनडायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन हमने ऑलरेडी अपने स्लोगन में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप रिक्रूटमेंट भी बंद करते हैं और प्रमोशंस भी नहीं करते हैं, उसके बाद आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा रास्ता रहता है कि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाता? सरकार से अब आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, हमारे बड़े जेन्युइन से इश्यूज़ हैं, इसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन नहीं है। ये भी इश्यूज़ अगर वो रिजोल्व कर दें
तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सैलरी जो हमारी 1 तारीख के लिए कमिटेड थी वो आज 10 तारीख हो गई, पिछले महीने 26 तारीख को आई। तो हमारे लोग बैंक में डिफॉल्टर क्रिएट हो रहे हैं, हमारी फैमिलीज सफ़र कर रही हैं, हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, इन सभी चीज़ों को जिसमें उन्होंने एग्रीमेंट किया था 2021 में, एग्रीमेंट करके उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने पूरा एग्रीमेंट साइन किया था और वो जेन्युइन इश्यूज थे, उन्होंने एक्सेप्ट किए, उनको रिजॉल्व करने के लिए कमिटेड थे, वो आज नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं अपील करूंगा अगले 15 दिन तक भी अगर वो जाग जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो नहीं जागेंगे तो क्या इनडेफिनेट स्ट्राइक का भी कदम उठाएं? 48 आवर्स के लिए होगी इनडेफिनेट। अभी देखिए लोगों की दुश्वारियाँ भी नहीं हम चाहते, लोगों को परेशानियां में नहीं डालने चाहते हम, ये गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करने के लिए, और क्योंकि हम पार्ट ऑफ द सोसाइटी हैं, हम पार्ट ऑफ द पीपल हैं, हम लोगों को बस ये बताना चाहते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे लाई कर रही है। जिस तरह से पीडीडी विभाग की बात करें, पीडीडी विभाग के विभिन्न मुलाजमों का यही कहना है कि जो इनकी जेन्युइन मांग है उसकी तरफ जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए और बार बार जो है सरकार से विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जो है अपनी मांग को उजागर कर चुके हैं और आज 24 घंटे के लिए जो है इन्होंने स्ट्राइक रखी है और 15 दिन के बाद दोबारा ये स्ट्राइक पर जाएंगे अगर सरकार ने इनकी मांगों पर गौर नहीं किया। फिलहाल नितिन गनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलसियर न्यूज़।